हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका। अर्बन टू रेसिपी में आपका फिर से स्वागत है। तो इस नाश्ते को देख के आ रहा है ना मुंह में पानी। आज हम फिर से एक नए और बहुत ही टेस्टी से नाश्ते की रेसिपी बनाने वाले हैं, जिसे हम पोहे और आलू से बनाएंगे। और इस नाश्ते को बनाने के लिए तेल का इस्तेमाल भी हम बहुत ही कम करेंगे। इस नाश्ते को बनाना बहुत ही आसान है। जो भी इस नाश्ते को खाएगा वो ये ज़रूर पूछेगा कि कैसे बनाया ये नाश्ता। इस रेसिपी को आप सुबह शाम की चाय के साथ बनाकर भी इंजॉय कर सकते हैं। तो पोहा आलू की ये नाश्ते की रेसिपी आपको कैसी लगी और आपके घर में किस तरह का नाश्ता सबसे ज़्यादा बनाकर खाया जाता है, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले। तो चलिए देख लेते हैं मज़ेदार से इस नाश्ते को कैसे बनाया जाता है। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं पोहे। तो मैंने यहाँ पर मीडियम वाले पोहे लिए हैं। ये पोहे ना ही ज़्यादा मोटे हैं और ना ही ज़्यादा पतले हैं। पोहे दो तीन क्वालिटी के आते हैं, तो आप यहाँ पर कोई भी क्वालिटी के पोहे ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। तो मैं यहाँ पर मेजरिंग कप से एक कप पोहे ले रही हूँ। पोहे को हम डाल लेते हैं मिक्सिंग बाउल के अंदर, क्योंकि हमें पोहे को अच्छी तरह से वॉश करना है। अब पोहे में हम पानी डालकर पोहे को अच्छी तरह से वॉश करेंगे। तो इसे हमें एक दो बार पानी से वॉश करना है, जब तक इसके अंदर का पानी जो है वो ट्रांसपेरेंट ना दिखाई देने लगे। तो इस तरह से इसे हम वॉश कर लेंगे, इस पानी को हटा देंगे। पोहे के इस नाश्ते को आप सुबह के ब्रेकफास्ट में या शाम के समय जब आपकी इच्छा हो बनाकर आप खा सकते हैं। तो पोहे को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब पोहे को हम ढक करके 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से फूलने के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। और जब तक पोहे फूल रहे हैं हम हमारी बाकी की तैयारियाँ कर लेते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए पोहे का फूलना बहुत ही ज़रूरी है। अब मैंने यहाँ पर 3 उबले हुए आलू लिए हैं, जिन्हें मैंने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। यदि आप बड़े साइज़ के आलू ले रहे हैं तो 2 आलू इनफ है। अब आलूओं को हम ग्रेटर के हेल्प से ग्रेट करेंगे। ग्रेटर के हेल्प करने से क्या होता है कि इसके अंदर बड़े चंक्स बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। यदि आप हाथों से मैश कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से मैश करिए, ताकि इसमें आलू के बड़े टुकड़े बिल्कुल नहीं रहें। यदि आलू के बड़े टुकड़े रहेंगे तो हमें नाश्ता बनाने में दिक्कत आएगी। कोई भी नाश्ता बनाना हो हमें, यदि हम उस नाश्ते की तैयारियां पहले से करके रख लेते हैं ना, तो नाश्ता बनाने में टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। फटाफट से ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। यदि आपके पास आलू उबली हुई पहले से ही रखी है, ग्रेट के ही रखी है, तो ये नाश्ता और भी जल्दी बनकर रेडी होगा। आलू यहाँ पर अच्छी तरह से ग्रेट हो चुकी है। अब पोहे को भी रखे हुए 10 मिनट कम्प्लीट हो चुके हैं। पोहे जो है बिल्कुल बढ़िया तरीके से फूल गए हैं। आप देख सकते हैं पोहे ने सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है, तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से फूल कर रेडी हुआ है। तो इस तरह से हम हाथों से इसे मैश करेंगे और बिल्कुल अच्छी तरह से मसल मसल कर इसे हमें स्मूथ डो की तरह रेडी करना है। बहुत ही आसानी से ये मैश हो जाएगा। पोहे अच्छी तरह से फूलना बहुत ज़रूरी है। यदि आप इससे मोटे क्वालिटी वाले पोहे ले रहे हैं तो उसमें आप थोड़ा पानी छोड़ दें, ताकि जो पोहे ना बिल्कुल बढ़िया तरीके से फूल कर तैयार हो। यदि पोहे अच्छी तरह से नहीं फूलेंगे तो हमें नाश्ता बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो इसलिए आप पोहे को कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए भिगो करके अच्छी तरह से उसे फूलने के लिए रखें। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से अच्छे से ये मैश हो गया है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना जैसे हम आटा गूंद रहे हैं, बिल्कुल वैसा हो गया ये। अब इसके अंदर हम बाकी के सामान ऐड करेंगे। तो इसमें हम डाल देते हैं 1 प्याज बारीक कटा हुआ। यदि आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज को स्किप कर सकते हैं। बिना प्याज के भी आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। और आप चाहें तो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें आप सब्जियां ऐड कर सकते हैं। जो सब्जियां आपको पसंद हो उसे आप डाल सकते हैं, जो सब्जियां पसंद नहीं हो उसे आप स्किप कर सकते हैं। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो रेगुलर मसालों का इस्तेमाल करेंगे हम। इसमें आधे चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर। मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसी रेसिपी बनाऊँ जो फटाफट से बनकर रेडी हो, जिसे हर कोई बना सके और सारे सामग्री जो है आपको घर में मिल जाए। तो आज की रेसिपी भी कुछ ऐसी ही है। अब इसमें हम डाल देंगे आधी चम्मच के करीबन लाल मिर्च पाउडर। तो लाल मिर्च की क्वांटिटी आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। आपके घर में जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा घटा सकते हैं। आप चाहें तो उसमें हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं यहाँ पर हरी मिर्च नहीं डाल रही हूँ। अब 1 चम्मच भरकर इसमें हम डाल देंगे सौंफ। सौंफ का फ्लेवर है ना बहुत ही इन्हेंस करता है इस नाश्ते के टेस्ट को, तो इसे ज़रूर डालिएगा। अब इसमें हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो मैं आधी चम्मच नमक डाल रही हूँ। आप आपके स्वाद के अनुसार इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। आधी चम्मच इसमें हम डाल देंगे जीरा। आधी चम्मच डालेंगे चाट मसाला। यदि चाट मसाला नहीं है आपके पास तो आमचूर पाउडर डाल सकते हैं या नींबू का रस डाल सकते हैं, जिससे बढ़िया सा चटपटा टेस्ट आएगा। अब जो हमने आलू को ग्रेट करके रखे थे ना, उन बॉयल आलू को भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे पालक। तो मैंने यहाँ पर 1 बाउल भर के पालक लिए है। पालक को मैंने अच्छी तरह से पानी से वॉश कर लिया था, उसके बाद मैंने इसे बारीक बारीक कट कर लिया है।
यदि आपके पास पालक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मेथी को बारीक बारीक काट कर डाल सकते हैं, या आप चाहें तो यहाँ पर ढेर सारी हरी धनिया को भी बारीक काट कर ऐड कर सकते हैं, उसे भी बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। बच्चे जो है ना सब्जी वगैरह खाने में बहुत ही नाटक करते हैं, तो आप इस तरह से तरह तरह के नाश्ते बनाकर उसमें सब्जी वगैरह डालकर खिलाएंगे ना तो बच्चे बहुत ही मज़े से सब्जियाँ खाएंगे। साथ ही इसमें बाइंडिंग देने के लिए इसमें हम डालेंगे चावल का आटा, तो मैं 3 बड़ी चम्मच चावल का आटा ऐड कर रही हूँ। आप यदि घर में रेगुलर वाली चम्मच का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 5 से 6 चम्मच चावल का आटा डालिए। चावल का आटा डालने से क्या होता है, एक तो जो इसके अंदर का मॉइस्चर होता है वो चावल का आटा कंट्रोल कर लेता है, और हमारा नाश्ता जो है वो भी थोड़ा सा क्रिस्पी बनता है। यदि आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसमें सूजी ऐड कर सकते हैं, या आप चाहें तो थोड़ा सा बेसन ऐड कर सकते हैं, तो जो आपके पास अवेलेबल हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बस थोड़ी ही क्वांटिटी में ऐड करें ताकि इसमें अच्छी तरह से बाइंडिंग आ जाए। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, पानी वगैरह हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है क्योंकि आलू जो है उसमें भी मॉइस्चर होता है, और पोहे जो हैं वो भी ऑलरेडी भूले हुए हैं उसमें भी मॉइस्चर होता है, तो पहले सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हमें ज़रूरत लगेगी तो हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें अच्छे से बाइंड तो हो रही है लेकिन मुझे थोड़ी सी ड्राई लग रही है, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून के करीबन दही। यदि आपके पास दही नहीं है तो आप पानी ऐड कर सकते हैं। दही डालने से क्या होगा कि नाश्ता का स्वाद भी बढ़ेगा और इसमें हल्की सी बाइंडिंग भी आ जाएगी, जो इसके अंदर का ड्राइनेस है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने दही डाला है तो आप भी दही डालिएगा, ज़रूरी नहीं है, आप हल्का सा पानी डालकर भी इसकी ड्राइनेस को ख़त्म कर सकते हैं, तो इसमें अच्छे से बाइंडिंग आ जाएगी ना, तो हम जो भी नाश्ता बनाएंगे बहुत ही बढ़िया सा शेप आएगा उसमें। पर इस बात का ध्यान रखें ढेर सारा पानी भी बिल्कुल नहीं डालिएगा क्योंकि जो पोहा है ना वो पानी को एब्जॉर्ब करते जाता है, और यदि ये दो ज़्यादा गीला हो गया तो नाश्ता बनाने में हमें दिक्कत आएगी। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट है, इस तरह से मैं जो भी शेप दूंगी ना तो बहुत ही इजीली से नाश्ता जो है वो बनकर रेडी हो जाएगा। तो अब नाश्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह से ली है 1 कटोरी। अब इसे हम थोड़ा सा ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेंगे। आप देख सकते हैं अब इस मिश्रण को हम इस तरह से कटोरी के अंदर डालेंगे, अच्छी तरह से इसे इसके अंदर हम सेट करेंगे। अब मैंने यहाँ पर इस तरह से एक चम्मच ले ली है, इसे भी मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया था। इस तरह से हम इसे दबा दबा कर कटोरी के अंदर अच्छी तरह से सेट कर देंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे नाश्ते में बहुत ही बढ़िया सा शेप आएगा और नाश्ता जो है ना लुकवाइज भी इतने में बहुत ही बढ़िया लगेगा। यदि आप इस नाश्ते को कोई भी गेस्ट के सामने सर्व करेंगे ना तो बहुत बढ़िया दिखेगा नाश्ता। यदि आप इस नाश्ते को अपने घर में बना रहे हैं तो आप बहुत ही आसानी से कोई भी शेप में इस नाश्ते को बना सकते हैं और घर में खा सकते हैं। तो ये अच्छी तरह से कटोरी के अंदर सेट हो गया है। अब कटोरी को हम इस तरह से टर्न करेंगे और हल्का सा टैप करेंगे तो बहुत ही इजीली से जो नाश्ता है वो बाहर आ जाएगा। ये देखिए वाव कितना बढ़िया दिख रहा है ना लुक वाइज भी नाश्ता। ऑयलिंग करने से क्या होता है कि नाश्ता जो है ना बहुत ही आसानी से कटोरी से बाहर आ जाता है। बार बार आपको कटोरी को ऑयल से ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजिली से आप एक बार ऑयल से ग्रीस करेंगे और बहुत आसानी से 2-3 आप नाश्ते इस तरह से बना सकते हैं। बाद में यदि आपको ऐसा लगे कि हाँ नाश्ता नहीं निकल रहा है कटोरी में से तो आप वापस इसे ऑयल लगाकर ग्रीस कर सकते हैं। तो सारा नाश्ता बनकर यहाँ पर तैयार हो चुका है। मैं इस नाश्ते को करने वाली हूँ शेलो फ्राई, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और पैन में हम डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल और ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तो 1 बड़ा चम्मच यहाँ पर मैं ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहें तो इस नाश्ते को डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच के करीबन राई, और राई को अच्छी तरह से हम चटकने देंगे। अब राई भी अच्छी तरह से चटक चुकी है। अब एक एक नाश्ते को उठाकर हम इस तरह से पैन में डालेंगे और गैस की फ्लेम को लो से मीडियम रखेंगे। एकदम लो फ्लेम पर आपको इन्हें शेलो फ्राई नहीं करना है, नहीं तो जो नाश्ता है ना वो तेल को एब्जॉर्ब करने लगता है। तो जितने नाश्ते पैन में आ जाएंगे उतने हम डाल देंगे, और अब इसे हम एक साइड से अच्छी तरह से शेलो फ्राई होने देंगे, उसके बाद हम इसे टर्न करेंगे। तो ये हल्के हल्के से शेलो फ्राई हो चुके हैं, इन्हें हम इस तरह से पलट देते हैं। और बस नाश्ते को हम इसी तरह से अलटते पलटते हुए तब तक शेलो फ्राई करेंगे जब तक कि दोनों साइड में बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाए। तो मैंने इसे अलटते पलटते हुए अच्छी तरह से शेलो फ्राई कर लिया है, बहुत ही बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है नाश्ते में दोनों साइड से। तो पोहे आलू की इस नाश्ते की रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स यू वॉचिंग माई वीडियो।